नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जींद नागरिक अस्पताल में कार्यरत एक स्टाफ नर्स की बुधवार को कोरोना संक्रमण के चलते पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उनकी मौत की खबर नागरिक अस्पताल में पहुंची, तो अस्पताल के पूरे स्टाफ में मातम छा गया। इस दौरान एकत्रित हुई स्टाफ नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रोती बुलकती सहकर्मी स्टाफ नर्सों का कहना था कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि वो अपनी कर्मठ सहकर्मी को बचा नहीं पाई। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राममेहर वर्मा ने बताया कि दिवंगत स्टाफ नर्स ने कभी भी अपनी ड्यूटी से जी नहीं चुराया, बल्कि बड़ी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाते हुए लोगों की सेवा में ही अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा, सरकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा कवच प्रदान करे और घोषणा के अनुसार कोरोना में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी प्रदान करे। जींद से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। पूरे मन से, पर वो अपने आप को सेव नहीं कर सकी और हम भी अपने साथी को नहीं बचा सके। हमारे को इस बात का बहुत दुख है। हमारे बीच में से एक हमारी फोन आर साथी से भी। कितने साल की सर्विस कर रही है? 14 साल की सर्विस। 38-37 केज थी। बहुत मेहनत से काम करती थी, मरीजों को पूरे मन से सेवा करती थी। कभी उसने कोई ड्यूटी से इनकार नहीं किया, कहीं ड्यूटी लगा दी वहीं ड्यूटी पे चली जाती थी। दुखी मन के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारी बहन जी उर्मिला दलाल जी, जो लगभग 14 साल की सेवा से स्वास्थ्य विभाग में बड़ी मरीजों की सेवा कर रही थी, आज कोरोना के कारण वो हमारे बीच में नहीं रही। इस दुख की घड़ी में मतलब हमारा जितनी कर्तव्य निष्ठा उन्होंने निभाई, शायद ही किसी कर्मचारी को नहीं, कभी भी कोई ड्यूटी से मना नहीं, और बीमार भी पीछे भी होते हुए भी कभी उसने मना नहीं किया ड्यूटी पे, मतलब और बड़ी मधुभाषी मतलब थी। आज हम सरकार से मांग करते कि हमारी सभी जो आइसोलेशन वार्ड में और जो होते होम आइसोलेशन में जो कोविड के काम में लगे हुए हैं, उनको सरकार पूरे सुरक्षा कोच दे और साथ में उनके परिवार को बाकायदा 50 लाख का जो एक सरकार ने किया था मुआवजा भी दे, ताकि मतलब हमारे एक हौसले के साथ हम आगे मरीजों की सेवा कर पाएँ। क्योंकि ऐसे हालात में अब जो महामारी ने रूप लिया हुआ, स्वास्थ्य कर्मी यदि लगातार मतलब इस तरह से हमारे बीच से जाते रहे तो हमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि कोरोना से आज मौत हुई है, कब एडमिट हुई थी, कहाँ डाल थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि एक हमारी स्टाफ नर्स थी, सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत थी, मात्र 39 साल की थी। 14 तारीख को ये पॉजिटिव आके पीजीआई में सर्वोत्तक में एडमिट हो गई थी, तभी से वहीं पर इसका इलाज चल रहा था। और आज बड़ी दुख भरी खबर हमें मिली है कि उसका जो है देहांत हो गया है। हमें जो है पूरा उसके परिवार के साथ और जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह हैं, बड़ी सहानुभूति है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में अपना स्थान दें। तो सर, अपने अभी कोरोना काल में कितने ऐसे जो प्रभावित हुए हैं, जिनकी मौत हुई है अभी की बात करेंगे? कुछ दिन पहले हमारा एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, यहाँ पर एडमिट रहा, फिर हिसार में एडमिट हुआ, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी और वो भी बिल्कुल जवान लड़का था। तो ये बड़े दुखदायी घटनाएं हैं जो कि कोरोना की वजह से हो रही हैं। जो फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं सर, जो बड़े उससे लड़ रहे हैं सर, अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे। बिल्कुल, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और दूसरे अन्य विभागों के भी हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध यह है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, अपना भी ध्यान रखें, पूरी पीपी किट या सारी जो प्रोटेक्शन लेते हुए आगे सेवा करें, क्योंकि जब तक तब हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे जब हम स्वयं भी जिंदा रहेंगे, स्वयं सुस्त रहेंगे। तो अपनी भी प्रोटेक्शन रखें, तभी दूसरे की सेवा साक्षर हो सकती है। सर, जो दोनों मौत हुई ना, बड़े जवान उसमें हुई हैं, तो लोगों में भ्रम है कि जवानों को नहीं फैलता, उनको ज्यादा प्रभावित नहीं करता, तो ये क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये देखिए, 2020 में जो कोविड की लहर आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, उसमें जवानों की डेथ बहुत कम थी,
और बुजुर्गों की उनकी ज्यादा डेथ थी जिनको पहले से कोई बीमारी थी। अब जो ये सेकंड वेव है इसमें जवान मौत भी काफी हो रही है और ऐसी मौतें भी हो रही है जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ थे और कोविड की वजह से ही उनकी डेथ हुई। ठीक है सर।